एवरीवन, साक्षी फूड ट्रेजर में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे घर पर आसानी से बनने वाली फालूदा सेव, उससे बनने वाले तीन प्रकार की फालूदा। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फालूदा की सेव बनाने के लिए हमें सेव साचा मशीन चाहिए। इस मशीन के साथ सेव की तीन प्रकार की जाली आती है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। हमें मीडियम साइज की जाली का उपयोग करना है। हम तेल से मशीन को ग्रीस कर लेते हैं। एक बोल में हमें ठंडा पानी और बर्फ के टुकड़े डालकर तैयार रखना है। एक कढ़ाई में हम एक कप कॉर्नफ्लावर, एक चम्मच शक्कर और चुटकी भर नमक लेकर उसमें दो कप पानी डालकर मिक्स करेंगे। गैस पर कढ़ाई स्लो फ्लेम पर रखकर इस मिश्रण को लगातार हिलाते रहेंगे। जिससे मिश्रण में गुठलियां ना पड़े, और मिश्रण नीचे से चिपके ना। हमें मिश्रण को लगातार हिलाते रहना है। अब हमारे मिश्रण को चमक आ गई है। हमें मिश्रण को हिलाते रहना है। हम मिश्रण को लगातार हिलाते रहेंगे जब तक मिश्रण पैन छोड़ ना दे। और आप देख सकते हैं कि मिश्रण का गोला बन रहा है। इसी समय हमें साचा में मिश्रण को गर्म ही भरकर उसकी पानी में सेवैया बनानी है। हमें मिश्रण को ठंडा होने नहीं देना है। ठंडा होने पर सेव अच्छी नहीं बनेगी। हमें मशीन को गोल गोल घुमाते हुए सेवैया बनानी है। हमारी सेव अच्छे से बन रही है। हमारी सेव बनकर तैयार है। अब हम फालूदा बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले एक कटोरी में हम सब्जा के बीज डालकर 10 मिनट भिगोकर उसको फूलने देंगे और आम को कट करके उसके पीसेस करेंगे। अब हम फालूदा बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने रोज़ सिरप, ड्राई फ्रूट्स, भिगोया हुआ सब्जा, सेवैया, ठंडा दूध, जेली, ये सारी तैयारी करनी है। अब ठंडे दूध में हम रोज़ सिरप डालकर रोज़ मिल्क बना लेंगे।
रोज फालूदा के लिए एक गिलास लेकर रोज सिरप डालेंगे। उसके बाद सब्जा, सेवैया, ड्राई फ्रूट्स, जेली के पीसेस, फिर रोज मिल्क, वनीला आइसक्रीम, और फिर से सब्जा, सेवैया, रोज सिरप, ऊपर से जेली और ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। इसी तरह हमें लेयर बनाकर ग्लास भरना है और सर्व करेंगे रोज फालूदा। अब बनाएंगे मैंगो फालूदा। उसके लिए एक ब्लेंडिंग जार लेकर उसमें मैंगो के पीसेस, शक्कर और ठंडा दूध डालकर ब्लेंड करेंगे। और मैंगो शेक बनाएंगे। एक ग्लास लेकर मैंगो क्रश साइड से डालेंगे। उसके बाद सब्जा, सेवैया, ड्राई फ्रूट्स, जेली, मैंगो शेक, फिर से सेवैया, सब्जा, जेली, वनीला आइसक्रीम। आप यहाँ मैंगो आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। इसी तरह हमें लेयर बनाकर ग्लास भरेंगे और ऊपर से जेली से गार्निश करेंगे। तो तैयार है हमारा सर्व करने के लिए मैंगो फालूदा। अब बनाएंगे कुल्फी फालूदा। उसके लिए एक प्लेट में हमने मलाई कुल्फी ली है। मलाई कुल्फी बनाने की रेसिपी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां जाके देख सकते हैं और मलाई कुल्फी बना सकते हैं। अब मलाई कुल्फी में हम सब्जा, सेव, रोज सिरप, ड्राई फ्रूट्स और जेली डालकर कुल्फी फालूदा सर्व करेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है घर पर डिलीशियस फालूदा बनाना। आप भी इसे ट्राई करें और आपके घर वालों को खुश करें। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।